वजीरे कानून पंजाब की खसूसी काविश से उनके घर के पास बनने वाले जनरल अस्पताल का तौसीही मंसूबा रवायती ताखीर का शिकार हो गया। 50 से बढ़ाकर 250 बेड्स के अस्पताल बनाने का ये मंसूबा जून 2017 में मुकम्मल होना था, तहम कमरों की तैयारी और मशीनरी नस्ब करने का काम ताहाल जेरे तकमील है। अस्पताल के MS का कहना है कि काम तेजी से जारी है। 431 मिलियन के हमने उसके इंस्ट्रूमेंट खरीदे और बाकी उसका कैपिटल पोर्शन जो है वो जो हमारे जो एमरजेंसी का फर्स्ट फ्लोर है उसमें हम मेडिकल वार्ड बना रहे हैं 100 इंडोर और जो सेकंड फ्लोर है उसमें सर्जरी के 100 बेड लगा रहे हैं। 99 करोड़ रुपए लागत के इस मंसूबे में अभी तक तौसीही इमारत का सिर्फ ढांचा ही तामीर हो सका। 74 डॉक्टर्स तैनात करने की मंजूरी भी नहीं ली जा सकी। डिप्टी कमिश्नर ने काम जल्द मुकम्मल होने का अंदिया दिया है। जितने फंड्स आए थे वो सारे इसके जो है वो लग गए और अब नेक्स्ट ईयर में जो 14-14.5 करोड़ रुपए इसके आए हैं वो इंशाल्लाह लग के ये हॉस्पिटल जो हमारा इंशाल्लाह दिसंबर तक फंक्शनल हो जाएगा। मंसूबे की तकमील में ताखीर की वजह रवायती तौर पर फंड्स की अदम दस्तियाबी बताई गई। तहम इंतजामिया पूरी उम्मीद है कि अस्पताल की नई इमारत को रवां साल दिसंबर तक फंक्शनल कर दिया जाएगा। कैमरामैन जायद मलिक के साथ हसाम अहमद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।